हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्विंग लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको एग्जांपल की हेल्प से हम इजीली समझ सकते हैं। तो ये एग्जांपल ले रहे हैं हम इसमें, जिसकी हेल्प से हम लीनियर सिस्टम को इजीली समझ सकें। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सॉल्व द लीनियर सिस्टम यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस की हेल्प से इस सिस्टम लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है हमें। बेसिकली ये हमारे पास एक मैट सिस्टम है, तो पहले सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या है। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो ए बराबर जो होगा वो होगा हमारे पास -3 2 4। तो -3 2 4 1, और यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट जो है वो 0, तो 1 0 -2, और 2 -3 4, 2 -3 and 4, ये हो गया ए। अगर एक्स की बात करें तो वो है हमारे पास x1 x2 x3, और अगर बी की बात करें तो बी जो है वो मैट्रिक्स है वो हमारे पास 12 -4 and -3, तो 12 -4 -3। अब हमें सबसे पहले बनाना है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे सिंपल ए मैट्रिक्स होगा पहले, जैसे ए मैट्रिक्स की एंट्री, और उसके बाद बी जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्री, तो बी मैट्रिक्स की एंट्री। तो ये मैट्रिक्स हो गया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या करना है हमें, हमारे पास सबसे पहले काम होता है जब हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन को, तो इस मैट्रिक्स को यानी इस मैट्रिक्स को ट्रेंगुलर बनाना। ट्रेंगुलर, अपर ट्रेंगुलर, लोअर ट्रेंगुलर बना सकते हैं, मोस्टली अपर ट्रेंगुलर बनाते हैं। अपर ट्रेंगुलर बनाना यानी कि ये एंट्री 0 होनी चाहिए, ये एंट्री 0 होनी चाहिए, ये एंट्री 0 होनी चाहिए। इस तरह से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना रो ऑपरेशंस की हेल्प से, कि इस तरह का कोई मैट्रिक्स हो जाए कि ये एंट्री 0 हो, बाकी एंट्री नॉन 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के हमारे पास कोई मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं हम अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, और उसको सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इसमें आगे देखेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में बनाना है। तो सबसे पहले बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाया, यानी आर वन और आर टू को इंटरचेंज कर दिया। तो आर वन और आर टू को इंटरचेंज कर दिया तो ये हो गया -3 2 4 12, 1 0 -4 -2 -4, यानी ये जो रो है वो नीचे चली जा चुकी है, और ये जो रो है ये वाली ये ऊपर यहाँ आ चुकी है। बस ये चेंज किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, एज वी विल सी द फर्स्ट ऑपरेशन विल सिंपली द नेक्स्ट। फर्स्ट ऑपरेशन यानी कि हमें ये 0 बनाना है, तो ये 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके, 3 R1 का मल्टीप्लाई करके अगर हम प्लस कर दें R2, तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। सिंपली हमने ये रो ऑपरेशन लगा दिया, तो ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यानी कि ये चेंज हो गया। अब फ्रेंड्स, ये हमारे ऊपर है, हम चाहे तो साथ में ही इस पे भी लगा सकते हैं। और बिना इस स्टेप को किए हुए दोबारा, बिना इस स्टेप को किए हुए एक साथ दो में दो एंट्री भी लगा सकते हैं। अगर जैसे हम R2 पे लगा रहे हैं तो R2 में, और हम R3 में लगा रहे हैं तो R3 में लगाने के लिए हमें इस तरह से एलिमेंट ऑपरेशन लगाना है कि उसमें R2 का यूज ना हो। तो इसके लिए हमें अगर इसको 0 बनाना है तो हम यहाँ कर सकते हैं R2 -2 R1, यानी -2, यानी कि अगर 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो R2 को हमने यहाँ से चेंज कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ से चेंज करने पे ये जब इसको ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो अब हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स कौन सा आ चुका है, ये वाला मैट्रिक्स आ चुका है इन दो रो ऑपरेशन की हेल्प से। अब हमारे पास फिर से हमने ऑपरेशन लगाया, वो क्या लगाया, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 -1 0। तो ये हमारे पास सिंपली हमने जो लगाया वो लगाया हमारे पास R2/1/2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ इसमें बात करते हैं हम, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे और 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे और 0 आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 0 2 0 आ चुके हैं, तीसरी 0 ये आना चाहिए, तो
तो इसके लिए हम अगर देखें तो R3 को हम कर सकते हैं, R3 को अगर हम बात करें तो R3 + 3R2, 3R2 अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं तो ये चीज हमकी -3 और ये हो जाएगा हमारे पास -3 + और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पहली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये हमने ऑपरेशन लगाया, तो ऑपरेशन लगाने पे ये आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ से हमने R3 को 5 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये 5 से डिवाइड करने पे ये आ गया हमारे पास। बेसिकली ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे अब एक ही बात करें तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब अगर हम एक ही बात करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1 0 -2, और ये हो गया हमारे पास 0 1 -1, और ये हो गया 0 0 1। ए और एक्स बराबर तो एक्स है ही हमारे पास, तो एक्स ये हो गया x1 x2 x3 इक्वल टू बी, बी ए वाले ये वाले टर्म -4 0 1, अब ये आ चुका है हमारे पास। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो मैं लीनियर सिस्टम होगा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होंगे वो चेंज हो गए हमारे पास। x1 इसका हम इससे मल्टीप्लाई करें तो x1 -2x3 इक्वल टू -4, यानी ये वाली टर्म। अब इससे इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x2 - x3 इक्वल टू 0, और साथ में ये आ गया यहाँ से इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा x3 इक्वल टू ये वाला 1। तो यहाँ से हमारे पास x3 = 1 आ गया। अब यहाँ से क्या रिलेशन आया, x2 = x3, यानी कि x2 = 1 ये आ गया। अब साथ में यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे x3 की वैल्यू हमारे पास है, x3 की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया हमारे पास x1 - 2 = -4, तो यहाँ से x2 = -2। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका एक सॉल्यूशन आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करके इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में से फिर इसी वीडियो में ले लेते हैं एग्जांपल, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सो दैट द लीनियर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो रो ऑपरेशन की हेल्प से हमें ये शो करना है कि लीनियर सिस्टम जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कि हमने पहले बनाया था उसी तरह से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद वही रो ऑपरेशन करके हमें इसको रो ऑपरेशन करके इस तरह से ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना होगा। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में हम जब चेंज करने गए तो हमारे पास एक इस तरह से चेंज आ गया कि 0 0 0 = -1। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी अगर रैंक की बात करें तो रैंक रैंक क्या होता है हमारे पास, नॉन जीरो रो। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी रैंक है हमारे पास 2, और बेसिकली इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 2, और टोटल मैट्रिक्स की रैंक क्या है 3, टोटल मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 3। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर दूसरी टर्म में देखें तो ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन आ गया, यहाँ पे इस रिलेशन की बात करें यानी 0 x1 + 0 x2 + 0 x3। सिंपली ये हमने जैसे ए और एक्स का मल्टीप्लाई जो हमने पहले किया था उसी टर्म में इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।